लोग ठीक है। रांची पुलिस के द्वारा पीएलएफआई के एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस संदर्भ में आप सभी लोग भलीभांति वाकिफ हैं। आपको ज्ञात है इससे पूर्व भी जितने पीएलएफआई के टॉप कमांडर्स हैं, चाहे तो मारे गए हैं या वो जेल के अंदर हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस के बढ़ते प्रभाव से कुछ टॉप पहले के जो ओल्ड कैडर थे उन्होंने सरेंडर भी किया है, और साथ ही पुलिस के द्वारा लगातार इस संदर्भ में लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और सूचना एकत्रित की जा रही है। तो एक सूचना प्राप्त हुई कि जो पुणे उरांव का AK-47 था कुछ राउंड के साथ एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संदीप उरांव है उसके पास रखा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन के उपरांत ग्रामीण SP नौशाद आलम जी के नेतृत्व में टीम फ्रेम किया गया था, जिनमें इनके साथ थाना प्रभारी नगरी DSP बेरो और भी इनके ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी लोग थे। इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हुए उस आदमी को अरेस्ट किया। उसके पास से AK-47 और 7.62 राउंड का 17 राउंड और एक ब्लू रंग का स्विफ्ट कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया है। तो कह सकते हैं कि जो पीएलएफआई के खिलाफ जो झारखंड पुलिस रांची पुलिस का जो एक अभियान चल रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो दूसरी उपलब्धि है, पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अवैध तरीके के हथियार के बनाने के मिनीगन फैक्ट्री टाइप के संचालित हो रहे हैं, उसी में ग्रामीण एसपी ने टीम फ्रेम किया गया था। और इस टीम ने इनके अलावा इनके जो पदाधिकारी हैं थाना प्रभारी मांडर, थाना प्रभारी चांदो, थाना प्रभारी नरकोपी और इस सब ने एक अच्छे टीम स्पीड के साथ इस पर ऑपरेशन किया, कंडक्ट किया। और जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे निर्मित हथियार जिसमें कि कार्बाइन तक के हैं, दो दो कार्बाइन बरामदगी हुई है, पिस्टल बरामदगी हुई है, कुछ देसी कट्टा की बरामदगी हुई है, कुछ अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी हुई है, साथ ही मिनीगन फैक्ट्री संचालित करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके औजार जो साज सामान होता है, सबकी बरामदगी की गई है। कुछ सामान आप गाड़ी में देख सकते हैं, लाना संभव नहीं था। तो कह सकते हैं कि इस कांड में जो जो लोग शामिल थे उसकी अरेस्टिंग हुई है। साथ ही पुलिस को और जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा जो हथियार निर्मित कर किसको बेचा गया था। तो अभी हमारा ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि और अधिक फलाफल के साथ हम लोग फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू। किन किन लोगों तक सप्लाई किया जाता है, चेन क्या था सर, क्या ये PLFI तक भी ये लोग की अपनी पहुंच थी, क्योंकि जिस तरह के कार्बाइन मिले हैं पूर्व में PLFI ने भी इस्तेमाल किया है। अभी हम इस संदर्भ में कुछ अंतिम से करना उचित समय नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बचा हुआ है। लेट द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूडेड, उसके बाद जो भी आएगा साक्ष्य, जो रिकवरी होगी, अरेस्टिंग होगी, वो आप इसमें बताया जाएगा। दो पार्ट में मिलेगा।